खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नाजर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई टाइम भी आपको मिलता रहे। तो अभी चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी रेसिपी है वो है आलू कीमा, और आलू कीमा सबका फेवरेट है और सबको बहुत पसंद है, छोटे हों बड़े हों सब इसको बहुत पसंद करते हैं। इसी पसंदगी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जो सा है आज आपके साथ सोचा कि आलू कीमे की रेसिपी को शेयर किया जाए। और ये मज़ेदार सा जो सा है आलू कीमा कैसे तैयार होगा, इसकी तरकीब क्या है, ये अब हम चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई, बिस्मिल्लाह रहमान। ये मैंने ना छोटे दो प्याज छोटे छोटे से काट लिए, ठीक है। इन्हें हल्का सा ब्राउन करूँगी, फिर टमाटर डालूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, फिर मैं ना कीमा डाल के ना भूनूँगी, फिर अच्छी तरह थोड़ा सा कीमा पक जाएगा ना, फिर आलू डालूँगी। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने करना है कीमा तैयार, उसके बाद जो सा इसके अंदर किए जाएंगे आलू शामिल। तो बहुत ही अच्छी सी रेसिपी तैयार होगी, टेस्टी सी। तो प्याज अब मम्मा आपने इनको मतलब ब्राउन करना है किस तरह? हल्के से बेटा, हल्के से ब्राउन करने। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दे सकते हैं कि मतलब यूजुअली ये भी होता है कि सब कुछ एक साथ डालकर जो है वो रख दिया जाता है, मतलब नमक मिर्च भी डाल दी, प्याज भी डाल दी, सारा कुछ, और एक दफ़ा उसको पकने के लिए रख दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग ही ज़रा डिफरेंट है कि मम्मा ने पहले प्याज करने हैं तैयार, बाद में कीमा डालना है। तो फिर हम देखते हैं कि जो सी यूनिक स्टाइल की रेसिपी है आलू कीमे की वो कैसे तैयार होगी। ये ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने, ये जो भूनते हैं। तो प्याज भी फ्लेवर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस कलर के किए, बहुत ज़्यादा कलर नहीं हम लोगों ने किया। और अब लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी मम्मा ने इसमें शामिल कर दिया है, जिसको अच्छे से हम लोगों ने भून लिया। जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही मज़ेदार सा जो है वो हमारा खाना तैयार होगा। तो इसलिए इसको अच्छे से भूनते हैं, और टमाटर भी डाल देना भी हम लोगों ने, तो टमाटर भी हम लोग डाल देंगे। दो मिनट भून गया से मैंने टमाटर भी डाल देते हैं, एक डाला नहीं टमाटर बड़े साइज का। मैंने कीमा धुला हुआ है साफ़ सुथरा है, तो आप से कलर से भी देख सकते हैं। यूजुअली वरना लोग जो खाना बनाते हैं, बाकी मैंने और भी जगहों पर देखा है, तो मैं किसी को पॉइंट आउट तो नहीं करूँगी, लेकिन वो मतलब बिना धुले गोश्त, बिना धुले कीमा, बिना धुले सब्ज़ियाँ, कोई भी चीज़ को बिना वॉश किए ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ का ज़रा ख्याल रखना चाहिए कि इनके ऊपर जो सा है वो स्प्रे किए तो सब्ज़ियों पे, और गोश्त के अंदर खून तो मतलब इस तरह इसको नहीं धोना चाहिए, धोए बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, धोना चाहिए इसको। लेकिन लोग जो से हैं वो बगैर धुले इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि नहायत गैर मुनासिब सी बात है, और आप अपनी सेहत से मतलब खेलने वाला काम अपने हाथों से ही कर रहे हैं। अब 5 मिनट में ऐसे भूनूंगी, फिर इसमें ना मसाले डाल के ना रख लूँगी, फिर थोड़ा सा ना पकाने पकाऊंगी इसे कीमे को, फिर इसके में ना आलू डाल दूंगी। 5 मिनट भून, फिर आपको दिखाते हैं। जीरा पौना चम्मच, नमक का आधा चम्मच, हल्दी का पौना चम्मच, मिर्च का। तो ये हो गए स्पाइसेस जो हमने कीमे में करनी है ऐड। और मैं थोड़ा सा इसे भूनती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के रख देती हूँ पकने के लिए। घी भी हमने डाल दिया है इसमें, लहसुन प्याज हर चीज़ डाल दी है, तो फिर इसमें ना आलू डाल दिए काट के। वो अपनी मर्ज़ी से आप काट लें, छोटे बड़े इस तरह भी काटने चाहते हैं। हाँ जी, ये मैंने ना पानी डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना, बारीक कीमा मशीन का गल जाएगा। अब बस थोड़ा सा पक जाए तो फिर मैं ना आलू काट के ना डाल दूँगी। फिर देखते कीमा जो सा तैयार हो गया। हाँ जी, अब ये ना कीमे में ना मैं ना आलू डालती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे ही मम्मा ने इसका ढक्कन खोला है तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उमदा खुशबू आई है। ये कीमा सबको ही पसंद होता है, इसलिए सबकी पसंदीदा जो सी डिश है कीमा आलू, वही आज हम तैयार कर रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं इसकी रेसिपी को। तो उसको डिफरेंट स्टाइल से हम लोगों ने बनाया है,
उस तरीके से नहीं बनाया है जिस तरह से हर कोई बनाता है, और यही तो स्पेशलिटी कुकिंग विद नाज़िम की कि वही चीज़ों को यूज़ करते हो जब अपन डेली बेसिस पे अपने किचन से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस तरह उनको मुनफरद तरीके से बनाया जाए वो हम आपको सिखाते हैं। तो आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा है तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कीमा किस तरह डिफरेंट है, किस तरह इसको डिफरेंट बनाया है। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह, जो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। अब मैं जिन्हें भूनती हूँ से आलूओं को 2-3 मिनट, फिर इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल के ना उस आलू गलने के लिए थोड़े से ना मैंने आलू ज़रा ज़्यादा ही डाले हैं, एक आलू, क्योंकि बच्चे ना मेरे जो छोटे से हैं ना बच्चे वो ज़्यादा आलू शौक़ से खाते हैं, वो कीमा नहीं खाते कोई बच्चा, तो इसलिए फिर वो आलू के साथ रोटी खा लेगा, इसलिए मैंने ना आलू थोड़ा सा ज़्यादा डाले हैं। ठीक है, तो मम्मा आप इसको पकाएँगे हम लोग? बस भूनेंगे बेटा 5 मिनट। ठीक है, तो इसको हम लोग 5 मिनट भूनते हैं, और आप लोग देख सकते घी तो अभी से इसकी जो सतह पर आना शुरू हो गया, तो इसको अच्छे से हम लोग भून लेते हैं, जितनी अच्छी बनाई होगी इतना अच्छा कीमा बनेगा, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये आप भून लिया, हमने थोड़ा सा पानी डालना बस, ये कि आलू बस डाल दें आलू गलने के लिए। ठीक है, ठीक, बस इतना पानी बहुत है आलू डाल देंगे। हाँ जी, ये मैंने मेथी भी डाल दी, सूखी मेथी। तो बिल्कुल फाइनल हो गई हमारी रेसिपी। ठीक है, तो व्यूवर्स ये जो सा है आलू कीमा आज हमने तैयार किया, लास्ट में इसके अंदर डाली है मेथी, तो बहुत ही मज़ेदार सी जो सी इसकी आ रही है खुशबू, और देखने में माशाल्लाह आपको देखते हैं ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसको रिशॉर्ट कर लें? ठीक है, रिशॉर्ट करते हैं आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, फाइनली हम लोगों ने जो सी हमारी रेसिपी इसको कर ली है डिश आउट, और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त है, इसका लुक आ रहा है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। तो ये ज़रा मैं करीब से दिखाऊँ ताकि आप लोगों के मुँह में पानी है, और जल्दी से आप लोगों जो हमारी ये रेसिपी आलू कीमे की उसको ट्राई करें। तो व्यूवर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, और आप सब हमें इनसे देखने से यही रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि नाजर को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल